Dear student, due to coronavirus, school started online classes for your study. So you can subscribe Golden Flower Palia YouTube channel, like and press the bell icon. Hello friends, और हम लोग कर रहे हैं class 12 economics. ये है chapter 2, Indian economy 1950 to 1990, और ये है part 2 इस chapter के ऊपर. और इस चैप्टर का आपको बाकी का वीडियोस भी देखना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है और वहाँ पर चैप्टर 2 लिखा होगा उसका प्लेलिस्ट पे आपको क्लिक करना है और इस चैप्टर के ऊपर जितने भी वीडियो बने हैं वो सब आप वहाँ पे देख पाएंगे. तो आज हम लोग करने वाले हैं द गोल्स ऑफ फाइव ईयर प्लान्स. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो चलिए इसको देखते हैं क्या है. अ प्लान शुड हैव सम क्लियरली स्पेसिफाइड गोल्स. आपको पता है कि एक प्लान में क्लियर स्पेसिफाइड गोल्स होना चाहिए. द गोल्स ऑफ द फाइव ईयर प्लान्स आर ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस एंड इक्विटी. और ये है हमारे चार गोल्स फाइव ईयर प्लान्स के. आपको इनको याद कर लेना है. पहला गोल्स है ग्रोथ, दूसरा है मॉडर्नाइजेशन, तीसरा है सेल्फ रिलायंस और चौथा है इक्विटी. इस चारों को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी. दिस डज नॉट मीन डैट ऑल द प्लान्स हैव गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस टू ऑल दिस गोल्स. ये चार गोल होने का मतलब ये नहीं है कि हमारे सभी प्लान्स इस चारों गोल्स को इक्वल इंपॉर्टेंस दिए हैं. ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज अ चॉइस हैज़ टू बी मेड इन ईच प्लान अबाउट विच ऑफ द गोल्स इज टू बी गिवन प्राइमरी इंपॉर्टेंस. तो चूंकि हमारे रिसोर्सेज काफ़ी लिमिटेड है इसलिए हमें यह चॉइस बनाना होगा कि कौन सा गोल्स को पहले पूरा किया जाए. नेवरदलेस द प्लानर्स हैव टू इंश्योर डैट एज फार एज पॉसिबल द पॉलिसीज ऑफ द प्लान्स डू नॉट कॉन्ट्राडिक्ट दिस फोर गोल्स. और साथ ही साथ हमें प्लानर्स को ये भी इंश्योर करना होगा कि हमारे जो गोल्स है वो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट ना कर जाए. जैसा कि हम लोग पहले देखे थे कि मॉडर्नाइजेशन और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन दोनों एक दूसरे को थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट करती है तो वैसा नहीं होना चाहिए. लेट अस नाउ लर्न अबाउट द गोल्स ऑफ प्लानिंग इन सम डिटेल. तो चलिए डिटेल में देखते हैं हमारे गोल्स को. पहला गोल है ग्रोथ. तो ग्रोथ का मतलब देखते हैं. इट रेफर्स टू इंक्रीज इन द कंट्रीज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस द आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द कंट्री. ग्रोथ का मतलब होता है कि एक कंट्री का कैपेसिटी कितना इंक्रीज हुआ है गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में. इट इम्प्लाइज आइदर अ लार्जर स्टॉक ऑफ प्रोडक्टिव कैपिटल और अ लार्जर साइज ऑफ सपोर्टिंग सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग और एन इंक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्टिव कैपिटल एंड सर्विसेज. इसका मतलब ये है कि क्या तो हमारे पास बहुत ही ज़्यादा स्टॉक हो मशीन्स का या फिर ज़्यादा स्टॉक हो सर्विसेज का, जैसे कि ट्रांसपोर्ट सर्विसेज अवेलेबल हो अच्छी तरीके से, बैंकिंग सर्विसेज अवेलेबल हो, या फिर हमारे जो एफिशिएंसी है कैपिटल का वो काम करने का क्षमता, ये सब इंक्रीज हो. अगर ये सब चीज़ इंक्रीज हो रहा है तो हम लोग बोलेंगे देश का क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है. अ गुड इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन द लैंग्वेज ऑफ ये बॉक्स हम लोग थोड़ी देर में देखने वाले हैं. पहले मेन टॉपिक कंटिन्यू कर लेते हैं. इन द लैंग्वेज ऑफ इकोनॉमिक्स इज स्टेडी इंक्रीज इन द GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. तो एक अच्छा जरिया है नापने का कि ग्रोथ कितना हुआ, ये आप नाप सकते हैं GDP को देखकर. GDP का मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक डेवलपमेंट. यहाँ पर डेफिनेशन लिखा हुआ है द GDP इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर. GDP का मतलब एक साल में हमारे देश में कितने फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं उनका मार्केट वैल्यू को बोलते हैं GDP. इसको हम लोग डिटेल में काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में जिसका वीडियो बहुत जल्द आ रहा है. यू कैन थिंक ऑफ द GDP एज अ केक एंड ग्रोथ इज द इंक्रीज इन द साइज ऑफ द केक. आप GDP को इस तरीके से सोच सकते हैं कि GDP एक केक है और केक का साइज अगर इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है. इफ़ द केक इज़ लार्जर मोर पीपल कैन इन्जॉय इट. अगर केक जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा लोग उसको इन्जॉय कर पाएंगे. इट इज़ नेसेसरी टू प्रोड्यूस मोर गुड्स एंड सर्विसेज इफ़ द पीपल ऑफ इंडिया आर टू इन्जॉय अ मोर रिच एंड वेरिड लाइफ. तो ये ज़रूरी है ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना अगर हमारे लोगों को ज़्यादा रिच लाइफ जीना है. तो आप यहाँ अभी तक हम लोग ये चीज़ जाने हैं कि ग्रोथ का अच्छा इंडिकेटर क्या है GDP और GDP क्या है मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री. और GDP को आप समझ सकते हैं एक केक जैसा और केक का साइज इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है. द GDP ऑफ अ कंट्री इज डिराइव फ्रॉम द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी. GDP अलग अलग सेक्टर से डिराइव किया जाता है. GDP को आप समझ सकते हैं देश का इनकम, ठीक है. और आपको पता है डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी क्या क्या होते हैं. तीन ठो सेक्टर्स होता है एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर. तो तीनों ही सेक्टर से GDP मतलब इनकम आता है हम लोग का, नेमली द एग्रीकल्चरल सेक्टर, द इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड द सर्विस सेक्टर, ठीक है.
The contribution made by each of these sectors make up the structural composition of the economy. तो इसको आप underline कीजिएगा कि हर एक sectors का जितना जितना contribution है उस contribution को हम लोग बोलते हैं structural composition of the economy. जैसे कि आप मान लीजिए देश का GDP है 100 रुपया, तो मान लीजिए 100 रुपये में से 60 रुपीज़ आ रहा है एग्रीकल्चर से और बाकी 30 रुपीज़ आ रहा है मान लीजिए इंडस्ट्री से और 10 रुपीज़ आ रहा है मान लीजिए सर्विस सेक्टर से. तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है कि 60 रुपया एग्रीकल्चर से, 30 रुपया इंडस्ट्री से और 10 रुपया सर्विसेज से, इस डिस्ट्रीब्यूशन को ही बोलते हैं स्ट्रक्चरल कंपोजिशन ऑफ एन ऑफ द इकोनॉमी. इन सम कंट्रीज ग्रोथ इन एग्रीकल्चरल कंट्रीब्यूट्स मोर टू द GDP ग्रोथ, वाइल इन सम कंट्रीज द ग्रोथ इन द सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूट्स मोर टू द GDP ग्रोथ. कुछ देश ऐसे होते हैं जहाँ पर एग्रीकल्चर ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है GDP में और कुछ देश ऐसे होते हैं जहाँ पर सर्विस सेक्टर ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है GDP में. बोला गया है सी बॉक्स 2.4. तो चलिए पहले इसको देख लेते हैं 2.4 में क्या लिखा हुआ है. सर्विस सेक्टर के बारे में स्पेशली यहाँ पे मेंशन किया गया है, तो ज़रा देखते हैं क्या है ये. तो एज अ कंट्री डेवलप, जैसे जैसे कोई देश डेवलप होता है इट अंडरगोज स्ट्रक्चरल चेंज, उसमें स्ट्रक्चरल चेंज आता है. अब क्या है स्ट्रक्चरल चेंज थोड़ी देर में देखते हैं. इन केस ऑफ इंडिया द स्ट्रक्चरल चेंज इज पिक्यूलियर. तो इंडिया का केस में स्ट्रक्चरल चेंज काफ़ी अजीब तरीके से हुआ है. यूजुअली आमतौर पर विद डेवलपमेंट द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर डिक्लाइंस, जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है वैसे वैसे एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है वो कम होता जाता है एंड द शेयर ऑफ इंडस्ट्री बिकम्स डोमिनेंट और इंडस्ट्री ज़्यादा कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर देती है. एट हायर लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट और भी ज़्यादा डेवलपमेंट के बाद द सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूट्स मोर टू द GDP देन द अदर टू सेक्टर्स. तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट के बाद क्या होता है कि सर्विस सेक्टर ज़्यादा कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर देती है. तो आप उम्मीद करते हैं आप समझ पा रहे होंगे पहले क्या है. जब देश डेवलपिंग स्टेज में होता है, जब डेवलप ज़्यादा नहीं हुआ होता है, तब क्या होता है कि ज़्यादातर कमाई एग्रीकल्चर से आ रहा होता है. फिर जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है वैसे वैसे एग्रीकल्चर से कमाई घटेगा और इंडस्ट्री से इनकम बढ़ने लगेगा और भी ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाएगा. फाइनल स्टेज में क्या होगा कि सर्विस सेक्टर दोनों सेक्टर का तुलना में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करना शुरू कर देगा. लेकिन इंडिया में क्या हुआ, इन इंडिया द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन द GDP वॉज मोर देन 50% एज वी वुड एक्सपेक्ट फॉर अ पुअर कंट्री. तो शुरू में क्या था कि GDP में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन मोर देन 50% था, मतलब 100 रुपये में से 50 से भी ज़्यादा रुपया एग्रीकल्चर से आता था. बट बाई 1990 लेकिन 1990 तक द शेयर ऑफ सर्विस सेक्टर वॉज 40.59%. 1990 तक सर्विस सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट करने लग गया, वो अकेला ही 40.59% कंट्रीब्यूट करने लगा, मोर देन डैट ऑफ एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री, और एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने लगा. और आपको पता है सर्विस सेक्टर ज़्यादा कब कंट्रीब्यूट करता है, जब देश क्या हो जाए डेवलप्ड हो जाए. लेकिन हमारा देश तो डेवलप्ड हुआ नहीं था लेकिन फिर भी सर्विस सेक्टर ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने लग गया. तो ये इंडिया का थोड़ा पिक्यूलियर केस हो गया है, लाइक वाट वी फाइंड इन डेवलप कंट्रीज. जैसा कि डेवलप नेशन में होता है वैसे इंडिया में देखने को मिल गया कि सर्विस सेक्टर ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है. दिस फेनोमेनन ऑफ ग्रोइंग शेयर ऑफ द सर्विस सेक्टर वॉज एक्सेलरेटेड इन द पोस्ट 1991 पीरियड. और ये जो फेनोमेनन है कि सर्विस सेक्टर से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होगा, ये और भी तेज हो गया 1991 के बाद. और यही 1991 में क्यों हुआ, क्योंकि इसी पीरियड में ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ था हमारे देश में. तो इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन होगा चैप्टर 3 में, फिलहाल इस टॉपिक को यहीं पे रहने देते हैं. तो फिलहाल आप इतना जान के रखिए कि सर्विस सेक्टर ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करने लगा इंडिया में, जो कि डेवलप कंट्रीज़ का निशानी है. लेकिन इंडिया डेवलप नहीं हुआ था फिर भी सर्विस सेक्टर ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करने लग गए थे. तो ये है कुछ बात यहाँ पर. अब ऊपर भी एक बॉक्स है उसको भी देख लेते हैं क्या है. यहाँ पर एक फेमस इकोनॉमिस्ट है, चेहरा दिख रहा होगा आपको, इनको बोलते हैं PC महालनोबिस. तो इनके बारे में कुछ है, इनको एक स्पेशल नाम मिला है कि ये इनको बोला जाता है द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग. असली इंडियन प्लानिंग के आर्किटेक्ट कौन है, ये PC महालनोबिस ही है. तो यहाँ से सब बात आपको जानना जरूरी नहीं है, कुछ मेन बात यहाँ पे याद करते हैं. यहाँ पे आप अंडरलाइन कीजिएगा कि द सेकेंड प्लान वॉज, दिस प्लान वॉज बेस्ड ऑन द आइडियाज़ ऑफ महालनोबिस. तो फर्स्ट 5-year प्लान तो उतना नहीं था, सेकेंड 5-year प्लान में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका था, इनका था, PC महालनोबिस का था. ये बात आप अंडरलाइन कीजिएगा. और इसीलिए इनको इन दैट सेंस ही कैन बी रिगार्डेड एज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग, इनको इंडियन प्लानिंग का आर्किटेक्ट बोला जाता है. उसके बाद आप इसको अंडरलाइन कीजिए, हिज कंट्रीब्यूशन टू द सब्जेक्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स ब्रॉट हिम इंटरनेशनल फेम. तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ये इंटरनेशनली क्यों इतना फेमस थे, क्योंकि इन्होंने स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट में काफ़ी अपना कंट्रीब्यूशन दिया.
अब वो कंट्रीब्यूशन क्या था वो आपको आगे पता चलेगा। फिर तीसरा बात आपको इनके बारे में जो मार्क करना है वो ये है कि महलानोबिस इस्टेब्लिश्ड द इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट इन कलकत्ता। तो इन्होंने कलकत्ता में इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट को इस्टेब्लिश किया एंड स्टार्टेड अ जर्नल संख्या विच स्टिल सर्व्स एज अ रेस्पेक्टेड फोरम फॉर स्टैटिस्टिशियन टू डिस्कस देयर आइडियाज। और इन्होंने एक जर्नल भी स्टार्ट किया जिसका नाम है संख्या, जो कि काफ़ी रेस्पेक्टेड फोरम है स्टैटिस्टिशियन के लिए उनका आइडियाज़ को डिस्कस करने के लिए। तो चार बात याद रखना है आपको पी सी महलानोबिस के बारे में। पहला बात तो ये है कि हम लोग का सेकेंड फाइव ईयर प्लान वॉज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन हिज आइडियाज़। नाउ दैट इज़ वाई ही इज़ ऑल्सो कॉल्ड आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग। पहला बात यह है। दूसरा बात, ही इज़ वर्ल्ड फेमस फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द सब्जेक्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। दूसरा बात यह है। तीसरा बात यह है कि ही इस्टेब्लिश्ड ISI इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कलकत्ता में। और चौथा बात यह है कि इन्होंने एक स्टार्ट किया था जर्नल संख्या विच स्टिल सर्व्स एज अ रेस्पेक्टेड फोरम फॉर स्टैटिस्टिशियन टू डिस्कस देयर आइडियाज़। ये चार बात आपको इनके बारे में याद रखना है। आगे चलते क्वेश्चन आंसर भी है इस वीडियो में, तो वहाँ पे भी लिखा हुआ ही है, आपको मिल जाएगा वहाँ पर। और कुछ यहाँ पे है नहीं ज़्यादा कुछ। तो हम लोग जो गोल्स देख रहे थे, पहला गोल था ग्रोथ, ये ग्रोथ ख़त्म हुआ। अब आते हैं दूसरे गोल पर जो कि है मॉडर्नाइजेशन। तो देखते हैं क्या है मॉडर्नाइजेशन। टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज द प्रोड्यूसर्स हैव टू अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी। अगर प्रोडक्शन बढ़ाना है गुड्स एंड सर्विसेज का तो प्रोड्यूसर को क्या करना पड़ेगा, नया नया टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अ फार्मर कैन इंक्रीज द आउटपुट ऑन द फार्म बाई यूजिंग न्यू सीड्स वेराइटीज इंस्टीड ऑफ ओल्ड वंस। एक फार्मर क्या कर सकता है, नया नया सीड वेराइटी यूज़ कर सकता है, HYB सीड्स जिसको बोलते हैं वो यूज़ कर सकता है आउटपुट बढ़ाने के लिए। सिमिलरली अ फैक्ट्री कैन इंक्रीज आउटपुट बाई यूजिंग अ न्यू टाइप ऑफ मशीन। उसी तरीके से एक फैक्ट्री भी एक नया मशीन लाकर अपना आउटपुट बढ़ा सकता है। एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड मॉडर्नाइजेशन। तो एडॉप्शन ऑफ नया टेक्नोलॉजी को लाने को ही बोलते हैं मॉडर्नाइजेशन। तो इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। फिर आगे देखते हैं। हाउएवर, मॉडर्नाइजेशन डज नॉट रेफर ओनली टू द यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी बट ऑल्सो टू चेंजेस इन सोशल आउटलुक सच एज रिकॉग्निशन डैट वुमेन शुड हैव द सेम राइट्स एज मैन। मॉडर्नाइजेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप नया नया मशीन ले आए और मॉडर्नाइजेशन हो गया। मॉडर्नाइजेशन का मतलब ये भी है कि समाज का सोच बदलना भी मॉडर्नाइजेशन का अंदर आता है। जैसे कि औरतों को भी बराबर हक मिलना चाहिए पुरुषों के समान। इन द ट्रेडिशनल सोसाइटी, पुराने सोसाइटी में वुमेन आर सपोज टू रिमेन एट होम वाइल मैन वर्क। पारंपरिक सोसाइटी में ये धारणा है कि औरतें घर में काम करेंगी और पुरुष बाहर जाएंगे कमाने। अब मॉडर्न सोसाइटी मेक्स यूज़ ऑफ द टैलेंट्स ऑफ वुमेन इन द वर्क प्लेस। लेकिन एक मॉडर्न सोसाइटी क्या करता है, औरत का टैलेंट को यूज़ करता है बैंक में, फैक्ट्रीज में, स्कूल्स में, हर जगह। एंड सच अ सोसाइटी इन मोस्ट ओकेजन इज ऑल्सो प्रॉस्परस। और वैसे ही सोसाइटी जहाँ पर औरतों को बराबर दर्जा दिया जाता है वही सोसाइटी आगे चल के डेवलप करते हैं, प्रॉस्पर होते हैं। तो यही था मॉडर्नाइजेशन के बारे में। अब आते हैं अगले टॉपिक पर जो कि है, अगला गोल पर जो कि है सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस का मतलब होता है आत्मनिर्भरता। तो देखते हैं क्या है। अ नेशन कैन प्रोमोट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मॉडर्नाइजेशन बाई यूजिंग इट्स ओन रिसोर्सेज और बाई यूजिंग रिसोर्सेज इम्पोर्टेड फ्रॉम अदर नेशन। एक नेशन इकोनॉमिक ग्रोथ और मॉडर्नाइजेशन दो तरीके से प्रमोट कर सकता है, क्या तो अपना रिसोर्सेज यूज़ करके या फिर वो दूसरे देश से इम्पोर्ट कर ले, मंगा ले। द फर्स्ट 7-5 ईयर प्लान्स गेव इम्पोर्टेंस टू सेल्फ रिलायंस विच मीन्स अवॉइडिंग इम्पोर्ट्स ऑफ दोज गुड्स विच कुड बी प्रोड्यूस इन इंडिया इट्सेल्फ। तो पहला हमारा 7-5 ईयर प्लान जो है वो इसी चीज़ पर फोकस किया कि हम लोग इम्पोर्ट्स को जितना हो सके उतना अवॉइड करेंगे, और ख़ासकर वो गुड्स जो हमारे देश में बन सकते हैं उनका तो बाहर से इम्पोर्ट करना ही नहीं है। ये सोचता हमारा अप टू 7-5 ईयर प्लान्स तक। दिस पॉलिसी वॉज कंसिडर्ड अ नेसेसिटी इन ऑर्डर टू रिड्यूस आवर डिपेंडेंस ऑन फॉरेन कंट्रीज स्पेशली फॉर फूड। और ये पॉलिसी ज़रूरी भी था क्योंकि हम लोग ज़्यादा ही डिपेंडेंट ना हो जाए फॉरेन कंट्रीज़ पर खासकर खाना के लिए। इट इज़ अंडरस्टैंडेबल दैट पीपल हु वेर रिसेंटली फ्रीड फ्रॉम फॉरेन डोमिनेशन शुड गिव इम्पोर्टेंस टू सेल्फ रिलायंस। ये समझ में आता ही है कि क्यों वो देश जो तुरंत ही आज़ाद हुआ था गुलामी से वो आत्मनिर्भरता पर ज़्यादा फोकस करे। फर्दर, इट वॉज फियर दैट डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्टेड फूड आइटम्स, फूड सप्लाईज, फॉरन टेक्नोलॉजी एंड फॉरन कैपिटल में मेक इंडिया सोवरेंटी वल्नरेबल टू फॉरन इंटरफेरेंस इन आवर पॉलिसीज। और एक बात ये भी है कि अगर हम लोग ज़्यादा ही डिपेंडेंट हो जाएंगे फॉरन गुड्स पर, फॉरन टेक्नोलॉजी पर, तो हो सकता है कि भारत का जो संप्रभुता है
मतलब आज़ादी है वो थोड़ा खतरा आ सकता है, हो सकता है फॉरेन का इंटरफेरेंस कुछ ज़्यादा ही हो जाए इंडियन पॉलिसीज़ पर, तो ये कारण से हम लोग सेल्फ रिलायंस को ज़्यादा प्रमोट किए। फिर आता है तीसरा टॉपिक, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आंसर भी मिलेगा, वहाँ पे काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया गया है इसको और डिटेल में, तो वहाँ पे देख लेंगे अच्छे से। और इसको चौथे टॉपिक पर आते हैं, चौथे गोल पर, जो कि है इक्विटी। नाउ ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन एंड सेल्फ रिलायंस बाई देमसेल्फ मे नॉट इम्प्रूव द काइंड ऑफ लाइफ विच पीपल आर लिविंग। अब मान लीजिए आपके पास ग्रोथ हो गया, मॉडर्नाइजेशन हो गया और सेल्फ रिलायंस भी हो गया, लेकिन इससे हो सकता है कि काइंड ऑफ लाइफ भी पीपल का इम्प्रूव ना हो। अ कंट्री कैन हैव हाई ग्रोथ, मोस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी डेवलप्ड इन द कंट्री इटसेल्फ एंड ऑल्सो हैव मोस्ट ऑफ इट्स पीपल लिविंग इन प्रॉपर्टी। कोई देश हो सकता है बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ कर ले, बहुत ही ज़्यादा मशीन्स ला ले नया नया और अपने देश में डेवलप कर ले, लेकिन हो सकता है उसके देश में काफ़ी ज़्यादा लोग गरीबी में जी रहे हो। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू इंश्योर डैट द बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी रीच द पुअर सेक्शंस एज वेल इंस्टेड ऑफ बींग एन्जॉयड ओनली बाई द रिच। उसीलिए ये जरूरी हो जाता है कि ग्रोथ का जो फ्रूट है वो सब लोगों तक पहुँचे। ऐसा नहीं कि सिर्फ अमीर लोग ही ग्रोथ का फ़ायदा उठा रहे हैं और गरीब लोग छूट जाए। सो इन एडिशन टू ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन एंड सेल्फ रिलायंस, इक्विटी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो बाकी तीन गोल जो है, ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन और सेल्फ रिलायंस, इन तीनों के अलावा इक्विटी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एवरी इंडियन शुड बी एबल टू मीट हीज और हर बेसिक नीड्स सच एज फूड, अ डिसेंट हाउस, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, एंड इनइक्विटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ शुड बी रिड्यूस्ड। तो हर एक इंडियन का ये हक है कि उसको खाना मिले, एक अच्छा घर मिले, एजुकेशन मिले, हेल्थ केयर मिले, और असमानता जो है वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन में वो कम से कम होना चाहिए। तो इक्विटी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट गोल है हमारे 5-year प्लान का। तो ये चार गोल को हम लोग डिटेल में डिस्कस किए। अब आगे क्या लिखा हुआ है, लेट अस नाउ सी हाउ द फर्स्ट 7 5-year प्लान्स कवरिंग द पीरियड 1950 टू 1990 अटेम्प्टेड टू अटेन दिस 4 गोल्स। तो आगे का जो टॉपिक है उसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे ये चार गोल्स को पूरा किया गया फर्स्ट 7 5-year प्लान्स में, एंड द एक्सटेंट टू विच दे सक्सीडेड इन डूइंग सो, और देखेंगे कि किस हद तक इंडिया सफल हो पाया इस प्लान्स को पूरा करने में। विथ रेफरेंस टू एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड ट्रेड, खासकर हमारा फोकस होगा एग्रीकल्चर पे, इंडस्ट्री पे और ट्रेड पे, इन सब चीज़ों को हम लोग डिटेल में देखेंगे। यू विल स्टडी द पॉलिसीज एंड डेवलपमेंटल इश्यूज टेकन अप आफ्टर 1991 इन चैप्टर 3, और 1990 के बाद क्या हुआ मेनली 1991 के बाद, वो हम लोग चैप्टर 3 में देख रहे होंगे। तो यही था आज का हम लोग का टॉपिक। तो आज हम लोग देखें कि गोल्स ऑफ 5-year प्लान्स क्या क्या है। चार गोल्स है, आपको याद हो गया होगा उम्मीद करते हैं अब तक। पहला गोल्स क्या है, ग्रोथ है, दूसरा क्या है, मॉडर्नाइजेशन, तीसरा है सेल्फ रिलायंस और चौथा है इक्विटी। डू सेल्फ स्टडी एट होम एंड स्टे होम, सेव लिव्स। थैंक यू वेरी मच।